सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इटहरी गहुमनी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी लता कुमारी पति पिंटू यादव ने कहा कि सरकार की योजना होगी आम जनता के बीच उतारेंगे और सबका साथ सबका सम्मान करेंगे, पंचायत वासियों के हर सुख दुख में खड़े होंगे, हर घर में शौचालय होगा। बता दें कि इटहरी गहुमनी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी लता कुमारी पति पिंटू यादव के चुनाव चिन्ह छाप बटन दबाकर विजय बनाए। देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पिंटू यादव के भाई। आप देख रहे हैं नई भारत। अभी हम मधेपुरा जिला सिंहेश्वर प्रखंड इटहरी गहुमनी पंचायत में है। यहाँ पे देखते हैं मुखिया जी का दरवाजा है। यहाँ पे दर्शक का थोड़ा ज़्यादा जमा रहा है। हम जानेंगे कि आखिर दर्शक किस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? यहाँ पे मुखिया जी के दरवाजे पे बैठे हैं, क्या मांग रहा है? वैसे आते हैं, बैठते हैं, अच्छा आदमी इसलिए बैठते हैं। चाय पीने के लिए लोग से तो नहीं बैठे हुए हैं? होता है कि कैंडिडेट चाय देते होगा आपको या पान खिलाता होगा? नहीं सर ऐसा। क्या नाम है भाई आपका? दिनेश ऋषिदेव है। क्या मन रहा है? देखते हैं आप लोग बहुत बैठे हुए हैं। ये अच्छा आदमी है, इसीलिए हम लोग आते हैं, रोज को आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ बाबा है, हम उससे भी बात करेंगे। देखते हैं मुखिया जी के दरवाजे पे बैठे हैं। अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है, इसलिए आते हैं, 10 बजे के बाद चले जाते हैं। तो ये चाय पीने के लोभ से तो न बैठे हुए? चाय तो ऐसे चलता रहता है, आपके यहाँ जाएंगे तो आप भी चाय पीएंगे। जी तो नहीं, अभी का अभी वोटिंग का मामला है। अभी देखते हैं कि बहुत सब कैंडिडेट चाय पिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, मुर्गा देते हैं, दारू देते हैं, इस पे नहीं ना भूलिएगा। अगर दारू दे तो उस पे तो नहीं भूलिएगा। अगर मुर्गा दे तो सवाल इन पे। बाबा एक और बाबा है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? कहाँ मान रहा है? देखते हैं मुखिया जी के दरवाजे पे बैठे जाते हैं, अच्छा आदमी है, रहते हैं, देखते हैं। मुखिया जी इससे पहले इनके माता जी रहे। मुखिया जी जी क्या काज किए? बहुत किया। गली गली रोड बना दिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे दर्शक में बहुत खुशी का माहौल है कि इस तरह से मान रहा है कि देखते हैं दर्शक बोल रहे कि नहीं हम लोग वोट करने के लिए आए हैं, चाय पीने के लोभ से लिए नहीं आए। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या मान रहा है? देखते हैं एकदम लुंगी कुर्ता में बैठे हुए। ऐसा नहीं कि आपको मुखिया जी बोल दिया होंगे कि शर्ट पहन देंगे मार्केट में, घूर के यहाँ से नहीं जाता जी। वो काम से आता है। इस बार चाहते हैं कि पुनः मतलब ये नया कैंडिडेट है। उतना आदमी घूम रहा है। कौन सा पंचायत है ये? इटहरी गवर्नमेंट सिंहेश्वर प्रखंड पड़ता है। सिंहेश्वर तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर होंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जमाला आदमी का बहुत चल रहा है। अगर मेरा खबर फेसबुक के जरिए से अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें। यादव कौन पंचायत है? इटहरी गवर्नमेंट पंचायत। क्या किस से नंबर से उम्मीदवार है? मुखिया पद से। कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्ष आपके माता जी निवर्तमान मुखिया जी रहे, 5 साल के दरमियान आप अपने क्षेत्र में क्या कार्य किए? बहुत सारी काम, जितना भी पंचायत का हम लोग का फंड का होता है या पब्लिक सेवा का सारा चीज किया। अभी जो आप आए हुएंगे रोड होके, सारा रोड पीसीसी करवाए, ढलाई करवाए। अब तकरीबन मेरे पंचायत में कहीं भी रोड मतलब कच्ची नहीं बची हुई। 5 साल जो आपको जनता मौका दिया, तो 5 साल में रोड, जैसे 5 साल के दरमियान आप खास करके उन गरीब असहाय मजदूर के साथ किस तरह व्यवहार के साथ? हम लोग सिर्फ इलेक्शन ही नहीं, कंटिन्यू 5 साल जो है इलेक्शन में जनता की सेवा में रहे। जो भी प्रॉब्लम होता या कभी कोई बीमार हो गया या किसी तरह का मरना या कुछ होता, उसमें हम सारा चीज़ में सहयोग हम लोग करते हैं। और जहाँ तक होता है गरीब में वृद्धा पेंशन, तकरीबन मेरे पंचायत में ऐसा बहुत कम ही लोग हैं जिसका पेपर प्रॉब्लम हो, उसका वृद्धा पेंशन बचा, सारा का अपने से करवाया, राशन कार्ड हुआ या कोई आधार कार्ड, छोटी छोटी मैटर सभी पंचायत में बहुत सारी होती है, सारा सॉल्व करवाते हैं, खुद अपने से सॉल्व करवाते हैं। कबीर अंत्योष्टि योजना के तहत आपने पंचायत में कितने लोगों की मदद की? बहुत सारी लोग की मदद हुई, मैक्सिमम लोग की मदद हुई, जिसके कारण आज जनता खुश है और मेरे पीछे। पिछले विगत साल कोरोना की महामारी चल रहे थे, जिसमें मुखिया जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उस योगदान में आप जनता के बीच क्या कार्य किए? हम लोग जैसे मास्क का बंटवारा किए और साबुन का बंटवारा किए, सैनिटाइजर बंटवारा किए,
और जो भी प्रॉब्लम अगर जनता के साथ होती थी सब लोग खड़ा रहते थे, करते थे कोरोना काल। पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा पंचायत को जैसे मनरेगा के तहत या इंदिरा आवास के तहत गरीब आदमी को कितना इंदिरा आवास दिया आपने? देखिए मेरे पंचायत का जो मतलब इंदिरा आवास फंड होता है उसमें कुछ हम लोग लगभग मैं सबको करवाए, मैक्सिमम लोग को हो गया है, कुछ लोग बाकी भी है जैसे नया राशन कार्ड जिसका बनता है वो लोग अभी बाकी भी हैं। जो गवर्नमेंट से मुझे इंदिरा आवास की फंड आती है लगभग मैं सब हम लोग कम्प्लीट किए। पिछले चुनाव में जो आपने वादे किए थे जनता से उन वादे में से कितना उतर पाया? सारे के सारे काम किए, ऐसा कोई भी नहीं है जो हम लोग जो वादे किए हैं पूरा किए, हमको जहाँ तक लगता है उससे ज़्यादा ही हम किए, क्योंकि जनता मेरी खुश है। अभी जनता से भी आप बात कर सकते हैं या बात किए होंगे, वो भी बता रही होंगी। क्या लगता है आपका कार्य से खुश होकर जनता फिर आपको मौका देना चाहेंगे? जरूर जरूर मौका जरूर, क्योंकि सब लोग खुश है। और दूसरी बात होता है 5 साल रहे हैं, अगर कोई काम नहीं करते तो जनता ना खुश रहती वोट नहीं, सारा काम किए हम लोग, जनता को क्या चाहिए, विकास चाहिए और उनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम होता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे पंचायत वासियों को क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश अपनी जनता से देंगे, जिस तरह से हम लोग 5 साल काम किए हैं, अगर जनता मुझे वोट देती है जिताती है जरूर जिताएगी, फिर हम लोग उसके लिए मतलब हर वक्त खड़ा रहेंगे और जो भी विकास का काम होगा जरूर करेंगे। इस बार जीतने के बाद 5 ऐसा काम बताइए पंचायत के लिए। देखिए पंचायत के लिए फर्स्ट होता है नली गली वाली, मैक्सिमम नली गली हो गया, कुछ ऐसा गली है पर्सनल गली जो फंसा हुआ उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि पिछले बार भी 5 साल में हम लोग बहुत सारे गली को क्लियर किए हैं। और दूसरी बात है जो कुछ लोग का जैसे राशन कार्ड होता है, क्योंकि गरीब लोग उसी पास मेन होता है उसका राशन कार्ड, नहीं राशन मिलता है तो राशन कार्ड बहुत सारा का बन गया, कुछ लोग नया है जैसे बंटवारा होता परिवार में तो बंटवारे में हम लोग राशन कार्ड भी बनवाएंगे उपलब्ध करवाएंगे। दूसरा हुआ जे काज रह गया तो पुनः हम लोग कार्य करने का काम करेंगे, जैसे हो गया इंदिरा आवास बहुत कुछ लोग बाकी है, क्योंकि जितना ऊपर से इंदिरा आवास अलॉट होता है उतना ही हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। पशु शेड होता है मनरेगा के थ्रू, उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। चौथा हो गया जो शिक्षा, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, से शिक्षा में हम लोग ध्यान देंगे जो हमारे पंचायत के बच्चे लोग सब पर है। देख रहे हैं कि भाई क्रमांक संख्या 5 पे आपका पुला छाप है, तो पुला छाप है इसके लिए जनता को क्या शुभकामना दे रहे हैं कि पुला छाप के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता कुछ बात? जनता को यही कहना चाहेंगे जिस तरह हम लोग 5 साल रहे हैं, जिस तरह हम लोग 5 साल किए हैं काम, फिर नेक्स्ट अगले 5 साल भी हम उसी तरह रहेंगे खराब लोग के साथ, हर वक्त सुख और दुख में हर वक्त रहते हैं हम लोग। पंचायतवासी को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? पंचायतवासी को यही शुभकामना दे मुझे वोट दे के जीताए, विजय करे और हम आप लोग के लिए सदैव खड़ा रहे। 5 साल आपके माता जी रहे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? चिंटू यादव। कैंडिडेट का नाम क्या है? लता कुमारी। छाप कौन है? पूला छाप है। कितना क्रमांक है? 5 पे। क्या नाम है आपका? कौन सा पंचायत है ये? क्या पद है आपका? क्रमांक क्या नाम है आपका? R9 भारत के लिए अमीर आजाद की रिपोर्ट सिंहेश्वर से।